الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كفيناك المستهزئين सुबह नमाल आलम तना का अंतल आलम प्यार नाजरीन और मज़स खवातिन इस्लाम हकूक़ रहमते आलम सल्ला वसलम यही सीरीज़ लेकर आज फिर मैं हाज़िर हूँ और इस नश्स में भी आपका इस्तबाल है अल्लाम आलकम वाला वबरकत पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था नबी अलैहि वसल्लम का चौथा हक जो हम पर आयद होता है कि हम आप का दफा करें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से इल्ज़ाम और बहतानात को दूर करने की कोशिश करें मैंने आपको बताया था तफसील के साथ कि नबी वसम का दफा आपके इस दुनिया में मौजूदगी के वक्त साहबा ने आपकी ज़ात का भी दफा किया आपकी ज़ात के तहफ़ के लिए तमाम कोशिशें उन्होंने की जहाँ मौका हाथ आया वो कभी पहरा देते हुए नज़र आ रहे हैं कभी आपके इर्द गिर्द घेरा बना कर आपको हिफाजत में लिए हुए हैं और कभी आप पर अगर इल्ज़ाम तराशी हुई और कोई मजम्मती क़रारदाद लोगों की तरफ़ से आई तो साहबा ने अपनी ज़बान से उसका भी जवाब दिया है और आपका दफा किया है अभी इस वक्त नबी नबीसम हमारे दरमियान नहीं हैं आप किसी और दूसरी दुनिया में जा चुके हैं अब आपके जात की हिफाजत और आपके जत का तहफ़ ये चीज़ हमारे लिए नहीं रही लेकिन अब भी हमें आपका दफा करना है कैसे आप की ज़ात पर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं आपकी जो तोहन की जा रही है आपकी शान में जो गुस्ताखियाँ हो रही हैं कहीं कोई कार्टून बना कर लोग गुस्ताखी कर रहे हैं कहीं बदजुबानी करके और ग़लत बयानात दे करके नबी वसल्लम की तौहीन की जा रही है ऐसे में हमें नबी पर लगाए जाने वाले इल्ज़ाम और आप पर किए जाने वाले इतराजात का जवाब देना उम्मत मुहम्मदिया पर नबी का हक है वाजिब है जो हमें ऐसा करना चाहिए इसलिए कि आज भी इल्ज़ाम का सिलसिला जारी है आज भी ए किए जा रहे हैं नबी वसल्लम जिनको अल्लाह ने रहमत लालमीन कहा सरेबिया पढ़िए सरे अम्बिया सूरत नंबर इक्कीस की आयत नंबर एक सौ सात में अल्लाह ने फरमाया मासल का रहमतमीन क्या नबी हमने सारे जहानों के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा है कितना अजीम लकब लेकिन उस नबी आलमीन को दहशतगर्द कहा जाता है आप पर टेरिज़्म का इल्ज़ाम लगाया जाता है आपके उम्मतियों पर भी दहशतगर्दी का लेवल चिपकाया जा रहा है हालांकि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़ी जाए उसका मुताला किया जाए आपके सवाने हयात पर नज़र डाली जाए तो आप दुनिया के सबसे रहमदिल इंसान आपने सिर्फ इंसानों पर नहीं आपने तो जानवरों पर भी रहम की तलकीन फरमाई आप रहमत लमीन सारे जहानों के लिए इंसानों के लिए जिनों के लिए चरिंद के लिए परिंद के लिए दरिंद के लिए तमाम मखलूकत इलाही के लिए अल्लाह ने आपको रहमत पर रहमत बनाकर भेजा उसकी कुछ मिसालें हदीस की रोशनी में आपको पहुंचाता हूं आप अंदाज़ा कीजिए नबी वसल्लम जो इस दुनिया के सबसे रहमदिल इंसान लेकिन उन पर भी दहशत गर्दी का इल्ज़ाम आज भी जोड़ा जा रहा है हसद बख्स और ऐनात की बिना पर बताइए कि हमारे नबी सुनन सोना दाऊद किताबुल अदब की रिवायत है आप सल्लम कहते हैं मन यरहम ला, ला जो रहम नहीं करता दूसरों पर उस पर रहम नहीं किया जाता और दूसरी हदीस के अल्फाज हैं लामल मिला अरहमानस कि अल्लाह त पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम नहीं करता ये तालीम किस की है नबी सर नबी रली वसम की है जिनके हकूक़ लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ और इन श्ला अगले भी दरूस में हाज़िर होता रहूँगा हमारे उस नबी ने तो साहबा को ये वाक़ सुनाया कि जानवर के साथ भी रहमदिली से पेश आओ एक आदमी ने जानवर के साथ रहमदिली का सबूत दिया तो अल्लाह ने उसको जन्नत दे दिया ये वाकया सही मुस्लिम किताबुसम दो हज़ार दो सौ चवालीस नंबर के हदीस में है नबीम कहते हैं कि एक इंसान एक सफ़र पे था रास्ते में सख्त प्यास लगी और अपनी प्यास बुझाने के लिए वो तलाश में था कहीं कोई जगह नजर आए पानी नजर आ जाए इत्तेफाक से जाते हुए रास्ते में कुआं दिखाई दिया कुएं में झांक कर देखा तो उसके पेंदे में पानी था उसकी तह में पानी था वो उतर कर गया उसने अपनी प्यास बुझाई और थोड़ी देर के बाद जब वापस आया कुएं के ऊपर चढ़ा तो देखता है कि एक कुत्ता है डॉग ये अल्लाह की मखलूक है ये कुत्ता भी बहुत प्यासा था अपनी जबान निकालकर कुएं के इर्द गिर्द जो भीगी मिट्टी थी उस मुडेर को चाट रहा था तो उस इंसान को महसूस हुआ कि शायद जिस तरह की प्यास मुझे लगी थी शायद ये कुत्ता भी उसी तरह जाँ है लेकिन ये तो कुएँ में उतर नहीं सकता है पर मैं इसकी मदद कर सकता हूँ उसने तदबीर की उसके पास अपने मोजे थे चमड़े के मोजे उसने अपने मोजे निकाले और उन मोज़ों को निकाल कर फिर से वो कुएँ में उतरा जा कर के अपने मोज़ों में पानी भरा और पानी भरने के बाद उसने अपने मोज़ों को अपने दांत से पकड़ा इसलिए कि दोनों हाथों को कुएँ से ऊपर आने के लिए उसे इस्तेमाल करना था चढ़ने के लिए तो उसने भरे हुए पानी से जो मोजे थे उन मोज़ों को दांत से पकड़ा और अपने हाथों से कुएँ की सीढ़ियाँ पकड़ते हुए उछढ़ कर ऊपर आया और उसने देखा कुत्ता भी मौजूद है पानी डालकर उसे पिलाया एक मोज़ा ख़त्म हुआ दूसरे मोज़े का पानी भी मेला वो पानी भी पी गया कुत्ता सैराब हो गया अद इसके अल्फाज हैं फशा कर अल्लाह अल्लाह ने उसकी कदरदानी की और नबी वसल्लम ने कहा कि उस इंसान को जन्नत मिली अल्लाह अकबर हमारे नबी ने वाक़ा क्यों सुनाया सिर्फ़ इसलिए क्या सहाबा ए मेरे उम्मतिओं तुम भी जानवरों के साथ रहमदली से पेश आओ देखो इन जानवरों के साथ खैर खाही करना इन्हें खाने पीने के लिए देना और इनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना ये जन्नत पाने का ज़रिया है जबकि दूसरी तरफ नबी ने एक और वाकया सुनाना सुनाया जो बिल्ली का कि बिल्ली को बांध कर एक औरत जहन्नम में चली गई क्योंकि उसने खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया ये वाकया बिल्ली का ये वाकया सही बुखारी में है किताबो अदीतल अम्बिया तीन हज़ार चार सौ बयासी नंबर की हदीस है नबी सा ने फ़रमाया औ हर अवसक़त है वलम तम है वलम तस्ती है वलम तदाहमशाशल अरुब हता महत की एक औरत थी जिसने एक बिल्ली को बांध लिया रस्सियों में बांधकर कर उसे रखा उसे ना खाना दिया ना पानी दिया और ना छोड़ा कि वो जाकर जमीन के अर्ज वगैरह को खाए पिए अपनी रोज़ी तलाश कर ले यहाँ तक क्यों मर गई तो उस खातून को अल्लाह ने अजाब में गिरफ़्तार कर दिया वो जहानम रसीद हो गई नबी ने वाक़ा सुनाया अपनी उम्मतियों को क्यों क्या उम्मतियों अल्लाह की इस मखलूक़ पर म ना करो अल्लाह की इस मखलूक़ जो बेजुबान हैं उनके साथ रहमदिली का मामला करो उन्हें खिलाओ पिलाओ उनका हक़ दो इसलिए कि देखो ये एक औरत किसी बिल्ली को बांध कर खाना पीना ना देकर ना छोड़ कर वो जहन्नम रसीद हो गई इतना बड़ा गुनाह है ये हमारे नबी का दर्स है ये आप सलाम की रहमदिली है क्या आप अपने उम्मतियों को खल ख़ुदा के साथ रहमदिल्ली का मामला करने की तलकीन कर रहे हैं बिल्ली से छोटा जानवर कौन परिंदा एक बार ऐसा वाक़ हुआ इसका जिक्र सोना नबू दाऊद किताबुल अदब में है कि नबी आश्रम ने कहा एक बार हम सफ़र पर जा रहे थे और रास्ते में हमने पड़ाव डाला इतने में एक सहाबी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए झाड़ी में तशरीफ़ ले गए जहाँ बहुत सारे दरख्त थे और वहाँ जा के उन्होंने क़़ाए हाजत की और फिर उन्होंने आते हुए देखा कि एक दरख्त में एक नेस्ट है जो, एक नेस्ट है घोंसला चिड़िया का घर उसमें बच्चे हैं बाज़ रवायत में अंडे के अल्फाज हैं बाद में बच्चे तो उन्होंने बच्चों को उतार लिया और लेकर चले आए बच्चों को ले आए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे वो क्या देखते हैं कि जब वो अपने खेमे को आए तो इन बच्चों की माँ गौरैया स्पायरो जो चिड़िया थी वो मडलाती हुई आई खेमे तक भी आई और उनके सर पर लौटने लगी उड़ करके उनके सर पर मडलाने लगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो कहा कि कौन है जिसने इसका दिल दुखाया कौन है जिसने इस परिंदे को दुख और दर्द दिया है किसने इसका दिल दुखाया है नबी वसल्लम एक परिंदे के दर्द व कर्भ को देख कर आप बेचैन हो गए और आपने कहा कि किसी ने इसका दिल जरूर दुखाया है कि क्यों आखिर लोट पोट रही है एक सभी ने कहा कि मैं गया हुआ था उस झाड़ी में और मैं इसके बच्चे उठा लाया हूं उसी वजह से मडला रही है नबीलम ने कहा जाओ जाओ उन बच्चों को उसके घोंसले में वापस रख करके आओ इसका दिल मत दुखाओ सुबहानल्ला ये थे हमारे नबी रहमत जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने वाकई वई आलमीन जो आपको लक़ब मिला था आपने उसको आमली जामा पहनाया और अपनी जिंदगी में आपने उसका अमली सबूत पेश किया है जो आज इंसानों के सामने है वह नबी जो जानवरों पर इस कदर हम दिल हो क्या इंसानों पर म करेगा क्या वह दहशत गर्द होगा क्या उसके मानने वाले दहशतगर्दी से जुड़ेंगे ऐसा हो नहीं सकता लेकिन आज उसी इस्लाम को दहशत गर्द मजहब कहा जा रहा है ये और बात है कि उन्हीं में से कुछ इंसाफ़ परवर भी ऐसे हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़मत की गवाही देते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलमीन मानते हैं उन्हीं के बहुत सारे धर्म गुरु ऐसे हैं जिनके बयान भी आज यूट्यूब पर और मुख्तलिफ जगहों पर सोशल मीडिया वगैरह पर अवेलेबल हैं कि हमारे नबी की सीरत पढ़ कर नबी वसल्लम की शान में तारीफ़ी कलिमात कह रहे हैं लेकिन आज भी बख्ज़ोनायत हसद और कीना कपट की वजह से बहुत सारे लोग जानते बूझते भी हमारे नबी पर इल्ज़ाम लगाते हैं हालांकि हमारे नबी तो जानवरों के लिए इस क़दर शफीक मेहरबान और हमदिल थे इंसानों के साथ क्यों ना होंगे और मामला तो इंसानों के साथ भी आपका ऐसा था कि आपने अपने जानी दुश्मनों को माफ़ किया है क्या ऐसा इंसान जो अपने जानी दुश्मन को माफ़ कर दे वो दहशत गर्द होगा किसी और का नहीं गौरस बिन हारिस का वाक़ है और ये वाक़ा सही बुखारी किताबुल जहाद में है सही बुखारी किताबुल जहाद 2913 नंबर की हदीस में कि नबी सल्लम एक बार गजवे ज़ातुलरक़ा में गए और वापस आते हुए दोपहर का वक्त एक वादी में हो गया तो आप वहाँ ठहरे ये वादी पेड़ पौधों वाली थी कांटेदार दरख्त वहाँ पर थे बबूल वगैरह के तो आप धूप की शिद्दत की वजह से वहाँ ठहरे और आपने कहा सहाबा आप भी जो कुछ खाने पीने का है खा लो और आराम कर लो इन दरख्तों के साइबान तले सा कर लो थोड़ी ठंडक हो जाएगी धूप की शिद्दत कम हो जाएगी तो यहाँ से चलेंगे इत्तेफाक से यह राह थी राह गुजर आप सल्लम एक घने सायादार दरख्त के नीचे गए आपने अपनी तलवार लटका दी और आप सोने लगे सहाबा भी उस वादी में बिखर गए जहाँ जहाँ उनको पेड़ पौधे मिले जाकर आराम करने लगे इतने में इसी राह से गुजरता हुआ एक बद्दू जिसे गौरस बिन हारिस कहा जाता था वो गुज़रा उसके कानों में नबी वसल्लम के ताल्लुक से बेबुनियाद बातें घोल कर पिला दी गई थी और ये कहा गया था कि देखो इनके दिन और धर्म पे मत आना या इनके करीब जाकर इनकी बात तक मत सुनना वरना इनका जादू तुम पर चल जाएगा बहरहाल वो आदमी अभी गायबाना तौर से नबी का दुश्मन बना हुआ था आया जाते हुए उसने देखा कि ये तो सोए हुए इंसान मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और देखा कि तलवार भी लटकी हुई है उसने तलवार उतारी और तलवार उतार कर नबी वसल्लम के सामने खड़ा हुआ चाहता था कि इतने में आप की नींद खुल गई आप जग गए और आप भी खड़े हो गए लेकिन वो बदू पूछता है मैं या मोहम्मद हु विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम मी वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको कौन बचाएगा मुझसे तलवार मेरे हाथ में बेनियाम है मेरे हमले से आपको कौन रोक सकता है नवीसलम ने जवाब दिया अल्लाह अल्लाह हु आसम अल्लाह मुझे बचाएगा आपकी ज़बान से अल्लाह ये लफ्ज़ दो से तीन बार अदा हुआ कि मेरा मुहाफिस तो अल्लाह है मेरा हामी व नासिर तो अल्लाह है ये सुनकर काफिर के दिल में रौब तारी हुआ और तलवार छूट कर जमीन पर गिर पड़ी क्योंकि उसके में थरथराहट पैदा हो गई अल्लाह ने मदद फरमाया अपने नबी की तलवार आप आपसा ने अपने हाथ में ले ली और कहा कि तुम्हें कौन बचाएगा तुम तो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते हो तो उस बद्दू ने कहा कि मुझे आपके आपके रहमो करम की उम्मीद है मायूस नहीं हूं मैं नबी ने कहा अच्छा ठीक है जाओ माफ़ करता हूँ तुम शायद कहीं जा रहे थे रास्ते में हो जाओ जाओ कहीं देर ना हो जाए अल्लाह अकबर वो बदू वहाँ से वापस हुआ नबी ने उसको माफ़ कर दिया हालांकि वो आप सल्लम का जानी दुश्मन बन गया था तलवार लेकर आपको डरा रहा था धमका रहा था लेकिन वही तलवार जब आपके हाथों में आ गई तो नबी वम सरापा आफो करम बन गए आपने दरगुजर फरमा दिया आपने धमकी तक नहीं दी आपने वार्निंग तक नहीं दी और कहा जाओ माफ़ करता हूँ जाओ कहीं देर ना हो जाए वो बद्दू जाता है कुछ दूर जाने के बाद फिर वापस आता है और कहता है अन तर उन्नी या मोहम्मद यू आर बेटर दैन मी ओ अलैहि वसल्लम आप मुझसे बहुत, मुझ बहुत अच्छे हैं आप मुझसे बहुत अच्छे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि तलवार मेरे हाथ में थी तो मैं आपको चमका रहा था डरा रहा था लेकिन ये तलवार जब आपके हाथ में गई तो कोई धमकी भी मैंने न सुनी आप बहुत अच्छे हैं अल्लाह नबी का ये अखलाक नबी का ये हसन अखलाक नबी का ये किरदार उसके दिल में घर कर गया वो जा तो रहा है लेकिन अब इस्लाम उसके दिल में पवस्त हो गया है उसे कचो के लगा रहा है वो अपने घर जाता है और फिर प्लान करता है और दोबारा प्लान करके नबी वसल्लम के पास पहुंचता है हाफिबिन ने बारी में लिखा है बादु इस हदीस की तशरी में कि वो गौरस बाद में इसी वाक़े की बुनियाद पर मुसलमान हो जाता है यही हुआ कि गौरस दोबारा अपने साजो सामान को तैयार करके सफ़र करके नबी के पास पहुँचा ये गौरस ये बदू और नबी वसल्लम के पास आ के उसने कल में शहादत का इकरार किया इस्लाम कबूल कर लिया हल्का बगोशे इस्लाम हो गया अशद वाह वाशद महमदन आब्दू हुआ रसूल हु ये हमारे नबी का अख्लाक था ये हमारे नबी का किरदार था ऐसे इंसान को दहशत गर्दी से जोड़ा जाए ऐसे इंसान के धर्म को उसके ऊपर दहशतगर्दी का लेबल लगाया जाए ये कहाँ का इंसाफ़ है कहाँ का अदल है मेरे भाइयों इंसाफ वाली बात करो अगर ये आवाज़ हमारे बिरदरानी वतन तक पहुँच रही है तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप हमारे नबी की सीरत पढ़ो आप हमारे नबी की सीरत तयबा का मताल करो अगर हमारे नबी की सवान हयात आप पढ़ लोगे आपकी सीरत का मताल कर लोगे अल्लाह की कसम आप हमारे नबी की तारीफ़ करने वाले बनोगे और वो दिन दूर नहीं कि शायद आपको भी इस्लाम अपनी आगोश में ले ले इसलिए कि दुनिया वालों ने गवाही दी है उस जमाने में भी और आज भी अगर आप तब के आयनक उतार लें अगर आप हसद और कीना अपने दिल से निकाल दें और खुले दिल से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयब आप पढ़ लें अल्लाह की कसम आप नबी के होकर रह जाएंगे नबी के अखलाक तो वो हैं कि आप नहीं जानते कि अबू जहल आपका दुश्मन अबू जहल लेकिन एक बार अबू जहल के रिश्तेदार मिसवर बिन मखरमा मकरमा रदी अल्लाह जो साहब रसूल बने उन्होंने पूछा कि ए मामू ये मिसवर बिन मखरमा अबू जहल के रिश्ते में रिश्ते में आते थे अबू जहल मामू लगता है मिसवर बिन मखरमा का तो इस तरह से वो भांजे हुए तो मिसवर बिन मखरमा ने एक बार तन्हाई में पूछा कि मामू क्या आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को झूठा समझते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अबू जहल कहता है ला इमन ल नहीं मोहम्मद तो सच्चे हैं तो मिसवर बिन मखरमा ने कहा कि मामू आप आखिर इस्लाम क्यों नहीं लाते आप अगर नबी को सच्चा मानते हो और झूठा नहीं कहते हो तो आप उनका धर्म क्यों नहीं कबूल करते उनको नबी बरा क्यों नहीं मानते तो जवाब था अबू जहल का जवाब था कि मेरे भांजे मिसवर सुनो इदादाहबा बनो بنو इबन किलाब बिलवाई व हिजाबती वायती فماذا अली ولسائر قريش क्या मिसवर सुनो अगर बनो कसई بنو किलाब यानी कुरैश की यही शाख जिससे मोहम्मद बिन अब्दुल्ल है अगर इन्हीं को झंडा भी मिल जाए और देखो अब तालिब के हाथ में झंडा है सरदारी का और अगर यही लोग खान काबा को गिलाफ़ पहनाने का शर्फ भी पा जाएं, हिजाब और अगर यही लोग हाजियों को पानी पिलाने के बड़े मकाम से भी सरफराज हो जाएं और देखो यही लोग पानी पिलाते हैं और उसके बाद इन्हीं में नबूवत भी आ जाए तो बताओ क्या बचा मेरे लिए और क्रैश के दूसरे लोगों के लिए कमाज अली सा सा कुरेश इसका मतलब ये है कि अबू जहल नबी को सच जानता था आपकी सच्चाई पर यकीन लाता था करता था लेकिन हसद बग्ज़ और कीना जो उसके दिल में बैठा हुआ था उसने हकबात कबूल करने से उस आदमी को रोके रखा उसे हिदायत नहीं नसीब हुई आज भी आप देखिए जो लोग लिखते हैं या बोलते हैं और इंसाफ वाले हैं अल्लाह की कसम अगर उन्होंने नबी की सीरत पढ़ी हुई है तो आपकी तारीफ़ में कलमत कहे बगैर नहीं चुप होते क्या कि आपने किसी दी हंड्रेड नामी किताब का नाम सुना है उसके लेखक कोई मुसलमान नहीं उसके आथर कोई ईमान वाले नहीं मोमिन नहीं उम्मत मुहम्मदिया के नहीं वो एक क्रिश्चन है लेकिन लेकिन उन्होंने नबी वसल्लम को अपनी उस किताब में सबसे पहला नंबर दिया दी हंड्रेड जिसका उर्दू तर्जमा हुआ है दुनिया के सौ बड़े आदमी बावजूद इसकी कि वह आथर क्रिश्चन है ईसाई है नसरानी है लेकिन उसने दुनिया के सौ बड़े आदमी की फहरिस्त जो बनाई तो हमारे और आपके प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूल को पहली पोजिशन पर रखा और उसने कहा उसने बयान दिया अपनी प्रीफेस में लिखा कि मुझे मालूम है लोग ऐतराज़ करेंगे मुझसे पूछेंगे मेरी बरादरी मुझसे क्वेश्चन करेगी कि आपने पहला नंबर ईसा को क्यों नहीं दिया आपने मोहम्मद को पहले नंबर पर क्यों रखा सल्लाम तो मैं जवाब दे रहा हूं बट ही वाज दी मैन इन हिस्ट्री सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ द रिलीजियस एंड द सेकुलर लेवल कि अकेला इंसान जो जिंदगी के दोनों मैदानों में समाजी मैदान में भी और सियासी मैदान में भी जो पूरी तरह से कामयाब रहा उस जात का नाम उस शख्सियत का नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इसी वजह से मैंने उनको पहले नंबर पे रखा है मुकम्मल तौर से वो कामयाब रहे दोनों मैदानों में अल्लाह अकबर ये हमारे नबी की तारीफ गैरों की जबान से आज भी अगर आप में इंसाफ है अब्रदरान वतन आप अगर आदल और जस्टिस से काम लेते हो तो आप भी हमारे नबी की सीरत पढ़ो और देखो हमारे नबी किस तरह सलामती और अमन के प्रचारक हैं, अल्लाह की कसम गर्दी से उनका दूर दूर से वास्ता नहीं अल्लाह हम सबको इंसाफ की बात कहने की तोफ़ी फरमाए। रुकता हूँ इन शह यही सिलसिला आगे दर्स में भी चलेगा इजाज़त दीजिए असलम वरहि वबरक